हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राइजिंग टेबल टेनिस। आई एम देवेंद्र दास, टेबल टेनिस प्लेयर एंड कोच। अब जो मेरा टॉपिक है टेबल टेनिस इक्विपमेंट्स के बारे में है। ये इक्विपमेंट्स जो मैं बता रहा हूँ ये बिगनर्स के लिए है, ठीक है। तो अब जो बिगनर्स अपन जब स्टार्ट करते हैं टेबल टेनिस खेलना, तो उनको बिगनर्स को बहुत सारे उनको आइडिया नहीं होता कि कौन सा बैट आपको चूज करना है, किस बैट से खेलना है। मोस्टली जो होते हैं बिगनर्स, तो वो गलती करते हैं, वो एडवांस बैट ले लेते हैं, उस बैट को फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि हर तीन कैटेगरी में हमारा बटा हुआ है। एक बिगनर्स है, एक इंटरमीडिएट है और एक एडवांस लेवल है। तो हर कैटेगरी के लिए हर इक्विपमेंट्स ऐसा बनाया गया है। तो आपको एकदम से एडवांस बैट यूज़ नहीं करना है, अब एडवांस में भी है तो आपको बिगनर बैट भी यूज़ नहीं करना है। तो हर कैटेगरी में जो सुटेबल है उसी कैटेगरी आपको बैट उस लेवल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट आपको जो बिगनर है, तो बिगनर के लिए क्या बैट यूज़ होना है, कैसे आपको बैट को चेक करना है, तो कौन सा आपके लिए सुटेबल रहेगा, तो ये चीज़ मैं आपको सिंपल आपको मैं गाइड करूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट करते हैं बैट, वो बिना किसी गाइडेंस के एकदम से कर लेते हैं। इसलिए सिंपल इसमें गाइड होना जरूरी है कि आपको कौन सा बैट कैसे आपको परचेस करना है और कैसे आपको चेक करना है। तो सिंपल मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा। तो फर्स्ट आपको बिगनर बैट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा बैट परचेस करना है। स्टूडेंट जो ये दो बैट जो आपको स्क्रीन में देखी, ये दो बैट से आपको स्टार्ट करना है। ये दो बैट सबसे अच्छा है, परफेक्ट है बिगनर्स लेवल के लिए, क्योंकि ये दो बैट है, मेरे स्टूडेंट भी इसको यूज करते हैं, इसका काफी अच्छा रिजल्ट है और काफी अच्छा कंट्रोलिंग भी है। इसके बैट से आपको बिगनर लेवल पे स्टार्ट करना है। इसका भी अगर आपको ये इजली मार्केट में अवेलेबल है और उसका भी आइडिया नहीं है आपको कहाँ से परचेस करना है, तो सिंपल उसका मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके वहाँ से आराम से आप बाय कर सकते हैं। अगर आप शॉप से परचेस कर रहे हैं तो आपको कैसे आपको बैट चेक करना है बिगनर का, तो उसका मैं इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट आपको जो अपना बैट है ये इस साइड प्लाई होता है, दोनों साइड रबर होते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और जब आप उसको हाथ में पकड़ेंगे टाइट, तो उसको आपको देखना है कि कैसे इसका वेट कितना है। ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए बैट रैकेट का, ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। और दोनों साइड रबर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इसका सबसे ईजी है कि आप बॉल को लेके आप सिंपल यहाँ ऐसे बाउंस करा सकते हैं। अगर बॉल अच्छा बाउंस हो रहा है हल्के एफर्ट में, हल्का टैप करने से अच्छा बाउंस हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपका बैट का क्वालिटी अच्छा है। और प्लस सिंपल एक और है कि आप इसका स्पिन लेवल चेक कर सकते हैं, क्योंकि टेबल टेनिस में स्पिन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो आप सबसे ये है कि आप इसको स्पिन ऐसे ब्रश करके आप चेक कर सकते हैं कि बॉल अच्छी स्पिन हो रही कि नहीं हो रही है। देखिए इसमें देखिए आप देख सकते हैं बॉल अच्छी स्पिन हो रही है, तो ये मतलब बैट की क्वालिटी अच्छी है, इसकी रबर क्वालिटी अच्छी है। तो ये इतना आपको आराम से आप यहाँ चेक कर सकते हैं ये चीज़, ओके। जैसे आपको मैं बैट के बारे में बताया आपको कैसे चूज करना है, कैसे आपको उसको चेक करना है, वैसे ही सिंपल आपको मैं बॉल के बारे में बता रहा हूँ। तो बॉल दो टाइप की आती है, एक ऑरेंज बॉल आता है, एक वाइट बॉल आता है, ठीक है। तो जो पहले जो आज के डेट है, जो हमारा मॉडर्न है टेबल टेनिस है, वो हमारा ऑफिशियली वाइट बॉल यूज़ करता है। जो उसका साइज होता है 40+ और ये प्लास्टिक होती है। जो पहले की जो बॉल आती थी ऑरेंज बॉल, वो सेलोलाइट की होती थी बॉल, उसका साइज होता था 40 mm, थोड़ा छोटा होता था, लेकिन वो अब बॉल यूज़ नहीं करते। तो सिंपल ये है कि जो बिगनर भी स्टार्ट करता है वाइट बॉल से इसको स्टार्ट करना है। और इसका भी जो चेक करने का तरीका ये है कि आप इसको बॉल अब जब बाउंस कराए तो परफेक्ट एक जगह पे बॉल बाउंस होना चाहिए, इसका इधर उधर डग नहीं करना चाहिए बॉल, ठीक है। ये अगर बॉल बाई चांस इधर उधर डग करेगा, ऑन इवन बाउंस करेगा, तो आप उसको रैली अपने बॉल गेम पे इफेक्ट करेगा। तो बॉल अच्छा परफेक्ट लेवल पे बाउंस होना चाहिए, जो हम अच्छे बैट पे बॉल को अपन खेल सकें, इतना ध्यान देना है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, जाके वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ओके। तो मैं आपको बैट के बारे में अच्छे डिटेल बताया, बॉल के बारे में थोड़ा आपको डिटेल्स मैंने दिया। नेक्स्ट हमारा होता है शूज़, क्योंकि सबसे जरूरी शूज़ है, क्योंकि हम पूरा टेबल टेनिस जो है पूरा मूवमेंट का गेम है, आपको पूरा मूव करके खेलना पड़ता है। तो इसमें से अपना सबसे डाउट होता है कि बहुत लोग क्या रनिंग शू में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टेबल टेनिस में आपको नॉन मार्किंग शूज आती है, वो आपको शूज़ यूज़ करना है, कि जो बैडमिंटन होता है, टेबल टेनिस होता है, जो इंडोर गेम होता है, इसमें नॉन मार्किंग शूज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको इंजरी का इसमें डर होता है, आपके मैर अच्छा इसमें फ्लोर में ग्रिप बनाना चाहिए, इसलिए नॉन मार्किंग शूज़ यूज़ करते हैं। शूज़ का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, तो वहाँ जाके आप उसको बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो तीन चीज़ सबसे मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट है, आपका बैट अच्छा होना चाहिए, बॉल और शूज़, तीनों चीज़ सबसे आपको मैं बताया, वो चीज़ कंपलसरी है। जब भी हम बिगनर स्टार्ट कर रहे हैं, ये चीज़ आपको तीनों में आपको डिटेल्स मैंने क्लियर किया। इतना आपको मैं बिगनर के इक्विपमेंट्स के बारे में इजी में आपको पूरा समझाया डिटेल्स में, कि क्या आपका बैट, क्या बॉल, क्या शूज़ आपका यूज़ होगा। तो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई, अब कुछ आपको इसमें कुछ नॉलेज गेन किए, आपको ये हेल्पफुल लगी मेरी वीडियो, इसको आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियो में आपको पूरा और भी कंप्लीट में आपको डिटेल्स बताऊंगा कि क्या इंटरमीडिएट में बैट क्या यूज़ होगा, क्या आपको एडवांस लेवल पे क्या बैट आपको यूज़ करना है, कौन कितने टाइप्स के रबर होते हैं, क्या आपको प्लाई लगेगा, कैसे आपको बैट को असेंबल करना है, और टेबल टेनिस से पूरी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में
मिलते जाएगा आगे आने वाले वीडियो में। तो सबसे स्टूडेंट फर्स्ट को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।